हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सवेर दीआं मुख खबरां दे विच। आओ लड़ीवार गल करदे आं पंजाब ते दुनिया दीआं मुख वड्डीआं खबरां दी। वीडियो शुरू करन तों पहलां लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ ते साडे नाल जुड़े रहण लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। अज दी पहली वड्डी खबर है पंजाब दे विच रेल आवाजाई ते किसान जथेबंदियां दा वड्डा ऐलान। तां दोस्तों, पंजाब दीआं 30 संघर्षशील किसान जथेबंदियां ने चंडीगढ़ दे पंजाब किसान भवन विच सांझी मीटिंग कीती। इस दे दौरान अहम फैसला लिया गया। किसान जथेबंदियां ने 20 नवंबर तक माल गड्डियां नूं ना रोकण दा फैसला कीता। मीटिंग विच इह वी तय होया कि रेलवे स्टेशन, टोल प्लाजियां, रिलायंस पंपां ते भाजपा आगूआं दे घरां अगे चल रहे धरने जारी रहणगे। भाजपा आगूआं दा घराओ भी जारी रहेगा। अगली खबर है पंजाब दे कई जिलों दे विच लंबे लंबे कट। पिंडां दे विच 4 तों 5 अते शहरां दे विच 1 तों 2 घंटे बिजली रहिंदी है गुल। तां दोस्तों, पंजाब अंदर थर्मल पावर प्रोडक्शन पूरी तरह ठप हो गई है। पंजाब दा आखिरी थर्मल पावर प्लांट GVK भी बंद हो गया, जिस दे मगरों थर्मल प्लांटां कोले भंडार खत्म होण करके बिजली कट शुरू हो गए ने। पंजाब राज बिजली बोर्ड ने पिंडां विच 4 तों 5 अते शहरां इलाकों दे विच 1 तों 2 घंटे दे पावर कट लाउणे शुरू कर दित्ते ने। तुहानूं दस दईए, पटियाला, जलंधर, लुधियाणा, संगरूर अते अमृतसर शहरां दे विच बिजली दे लंबे लंबे कट वेखण नूं मिल रहे ने। पंजाब इस वक्त 1000 तों लै के 1500 मैगावाट बिजली दी घाट दा सामना कर रिहा है। अगली खबर है पंजाब दे सरकारी स्कूल बनणगे स्मार्ट, सिक्ख्या विभाग दीआं नवीआं हदायतां। तां दोस्तों, पंजाब सिक्ख्या विभाग ने हुण हर सरकारी स्कूल नूं स्मार्ट स्कूलां विच बदलण दी कवायद शुरू दित्ती है। इस दे मद्देनज़र सरकारी स्कूलां दे विच सिक्ख्या सुधार टीमां दा गठन कीता जा रिहा है। विभाग ने इस नूं लै के हदायतां भी जारी कर दित्तीआं ने। अगली खबर है अंदोलन दे बावजूद पंजाबीआं ने भरे केंद्र दे अनाज भंडार, सरकारी अंकड़ियां च खुलासा। तां दोस्तों, एक पासे पंजाब च केंद्र दे खेती कानूनां दा विरोध जोरां ते है, जिस दे मद्देनज़र सूबे दे किसानां वल्लों 5 नवंबर नूं पंजाब बंद दा सद्दा दित्ता गया। इस दे नाल ही खबर आई है कि पंजाब दे किसानां ने झोने दी रिकॉर्ड पैदावार दे नाल केंद्र सरकार दे भंडार भर दित्ते ने। केंद्र सरकार दे अंकड़ियां दे मुताबक झोने दी खरीद 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 21.16% ਵੱਧ ਕੇ 204.59 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ RIL ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ $7 ਅਰਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ $7 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾ ਲਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੂਮਬਰਗ ਬਿਲੀਅਨ ਇੰਡੈਕਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ACI ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੀਮਤਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। MCX ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 0.72%, ਜਾਣੀ ਕਿ 372 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 51,226 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਵਰੀ 2021 ਦਾ ਸੋਨਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 0.53%, ਜਾਣੀ ਕਿ 273 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 51,435 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ MCX 'ਤੇ 2.10%, ਜਾਣੀ ਕਿ 1,317 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 61,368 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ BJP ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਟੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ 3 ਹੋਰ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ।
तो दोस्तों फ्रांस तो तीन होर राफेल लड़ाकू जैटा का दूजा बैच भारत पुज गया। हवाई सेना ने अज ट्वीट करके इसकी पुष्टि की है। तिने राफेल फ्रांस तो उड़ान भरन मगरों रास्ते बिना किसी ठहराते भारत पुजे ने। उंज दूजे बैंच में चार राफेल जैटा के आने की उम्मीद की जा रही है। इस तो पहला पांच राफेल जैटा का पहला बैंच 29 जुलाई में भारत पुजा सी, जिन्हों अंबाला सौनी स्थित भारतीय हवाई सेना के बेस से तैनात किया गया। अगली खबर है फौज वालों पेंशन कटौती ते सेवा मुक्ति की उम्र वधाउण की तजवीज़। तो दोस्तों फौज ने समय तो पहला सेवा मुक्ति लैण वाले अधिकारियों लई पेंशन घटाउण अते फौजी अधिकारियों की सेवा मुक्ति की उम्र वधाउण की तजवीज़ पेश की है। हालांकि यह तजवीज़ पहला ही विवादा विच घिर गई सी, क्योंकि इस नाल पेंशन फार्मूला बदल जाएगा। जिहड़े हुण सेवा मुक्त होने वाले हैं यह उन्होंने वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। फौजी कानून के जाणू एक वकील अनुसार फौजी मामलों बारे वालों पेंशन फार्मूले में पेश किए बदलाव को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अगली खबर है पंजाब सरकार रेलों को सुरक्षा देने तैयार कैप्टन। तो दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जंतर मंत्र के धरने दौरान संबोधन करदिया केंद्र सरकार को पंजाब लई माल के धरने यात्री गड्डियां चलाने की मांग करदिया कहा कि पंजाब सरकार रेल गड्डियां की सुरक्षा लई RPF नाल पंजाब पुलिस तैनात करने लई तैयार है। उन्होंने पंजाबियों वालों देश लई दित्तियां कुर्बानियां याद करवाउंदिया कहा कि सरहदी खेत्र के छोटे किसानों लई बने रवायत किसान आड़तिया सिस्टम नूं ना तोड़िया जाए। अगली खबर है मुल्क विच करोना पीड़ितों की गिनती 83 लाख तो टप्पी ते 514 हुई मौत। तो दोस्तों भारत में एक दिन के अंदर COVID-19 के 46,253 नवे मामले सामने आने तो बाद मुल्क विच पीड़ितों की गिनती 83 लाख का अंकड़ा पार कर गई है। उधर 76.56 लाख लोग इस वायरस तो सेहत याब्द होकर ठीक होने की दर 92% तो भी बढ़ गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों जारी अंकड़ों के अनुसार देश के अंदर हुण COVID-19 के 83,13,876 मामले सामने आ चुके हैं ते 514 होर लोगों की मौत तो बाद मरण वाले की गिनती बढ़ के 1,23,611 हो गई है। अगली खबर है फिरोजपुर के जल्द बनेगा सिंथेटिक एथलैटिक ट्रैक। तो दोस्तों फिरोजपुर जिले नाल संबंध रखने वाले खेड मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने अपने जिले के खिडारियों नूं खेड के खेत्र में अगे बढ़न दे लई सहूलत देने वास्ते शहीद भगत सिंह स्टेडियम फिरोजपुर विखे सिंथेटिक एथलैटिक ट्रैक का राह पदरा कर दिता है। इस दे लई भारत सरकार तो 7 करोड़ रुपए की ग्रांट पास करवा ली है। जल्द ही ट्रेंडिंग प्रक्रिया शुरू करवा के ट्रैक का काम भी शुरू करवाया जाएगा। इस ट्रैक के बनने ना सिर्फ फिरोजपुर के एथलीट बल्कि आले दुआले के एथलीटों भी बड़ी सहूलत मिलेगी। अगली खबर है किसानों का सवाल जदों असी 30 रुपए किलो आलू देने तैयार हाँ तो सरकार भूटान तो क्यों मंगवा रही है। तो दोस्तों किसानों ने केंद्र सरकार को सवाल किया कि जदों असी 32 रुपए किलो आलू देने तैयार हाँ तो फिर भी सरकार भूटान तो क्यों मंगवा रही है आलू। उन्हां दा कहना है कि अधिकारियों को दरामद लई कमीशन मिलता है, असी कमीशन का भुगतान नहीं कर सकांगे, सरकार सानू नकद पैसे देवे ते आलू लवे। किसान 60 रुपए किलो आलू नहीं बेच रहे, बाजार में बैठे एजेंट ते व्यापारी दुगने कीमत में आलू बेच रहे ने। अगली खबर है हुण इस बैंक के खाते में पैसे जमा करवाउण ते लगेगा चार्ज। तो दोस्तों ICICI बैंक ने गाहकां नूं वड्डा झटका दिता है। बैंक ने कहा कि हुण तो गैर कारोबारी घंटिया में छुट्टियां के समय नकद रिसाइकलर नकद जमा करने वाली मशीन राही पैसे जमा करने लई एक भुगतान करना पवेगा। हुण जे तुसी छुट्टियां के दिन बैंक के ATM इलावा नकद रिसाइकल या नकद जमा करने वाली मशीन की वरतों करते हो तो गाहकों सहूलत फीस वजो 50 रुपए वसूल देने पैणगे। तो दोस्तों ये अज्ज सवेर दीआं मुख ते ताज़ा खबरां। तुसी वीडियो नूं अपने दोस्तों मित्रां नाल अगे शेयर जरूर कर दिया करो ते साडे नाल जुड़े रहने लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते नाल बने बैल नूं भी दबा दिओ, जिस नाल तुहानूं इस तरह दीआं आउण वालीआं नवीआं ते ताज़ा खबरां दा सब तों पहलां पता लगदा रहूगा। इस वीडियो दे विच इन्ना ही, मिलदे हां किसी नैक्सट वीडियो दे विच, तद तक लई धन्नवाद।